देखिए सिंटू के बारे में आपको पहले बता दूं, सिंटू वो शख्स जो देवघर से पकड़ा गया था, ईयूयू की टीम वहां से 5-6 लोगों को पकड़ कर लाई थी, उनमें से एक सिंटू, और सिंटू के मोबाइल से बहुत कुछ साफ हो गया था। उसके मोबाइल में पहले ही क्वेश्चन पेपर आ गया था, आंसर शीट आ गए थे, और सिंटू ने जो ईयूयू को खुलासा किया है उसमें रॉकी नाम के शख्स का जिक्र है। रॉकी रांची के कडरू का रहने वाला, कडरू में वो एक रेस्टोरेंट चलाता है, लेकिन उसका भी बिहार कनेक्शन है, वो नवादा में उसका अपना घर है। रॉकी जो है वो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अंशुल सिंह और अतुल वत्स जो है इस मामले के मास्टरमाइंड जिन्हें कहा जा रहा है उनसे सीधे संपर्क में था, और उसी ने क्वेश्चन और आंसर शीट जो है वो सिंटू यानी बलदेव उर्फ बलदेव कुमार को भेजा था। और ये सिंटू जो है ये लूटन मुखिया संजीव मुखिया का भतीजी का भांजी का पति बताया जा रहा है। जी हाँ, भांजी का पति है वो, और पहले से इस मामले में जुड़ा हुआ था। सिंटू ने ही इस क्वेश्चन आंसर को रिसीव किया। इसके बाद लर्न एंड प्ले स्कूल में 33 छात्रों को बकायदा 10 से 12 प्रिंटआउट निकाल के पूरे क्वेश्चन आंसर भी रटवाए थे। और तो और हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग में उसके कुछ लोग थे जो एग्जाम दे रहे थे, उसने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में संजीव मुखिया के कुछ लोगों को ये क्वेश्चन पेपर भी भेजे थे। इसके बाद देखिए जब ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू हुई उसके बाद सिंटू ने क्या किया, जाकर अपना सिम तोड़ दिया। कई नए सिम उसने खरीदे थे जिससे वो नीतीश से आनंद से बात करता था, नीतीश कुमार और अमित आनंद से। इसके बाद जब गिरफ्तारियां शुरू हुई, छापेमारी शुरू हुई, तो उसने फोन तोड़ दिया, सिम तोड़कर फेंक दिया। लेकिन अब रॉकी को तलाश रही है पुलिस। रांची झारखंड के अलग अलग इलाकों में, हजारीबाग में, देवघर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी पड़ रही है, रॉकी को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि रॉकी वो शख्स है जो सीधे तौर पर अंशुल सिंह और अतुल वत्स से जुड़ा हुआ था। सिंटू के इस खुलासे के बाद एक बार फिर एक्टिव हो गई है पुलिस, और अब एक बार फिर छानबीन और जांच जो है वो तेज हो गई है। गायत्री बिल्कुल, और ये जो चिंटू का नाम सामने आ रहा है अनूप, ये भी जरा जानकारी दीजिएगा, क्या किसी और भी व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं किरदार बहुत निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे बात हम बिहार की करें। क्या बिल्कुल आपके पास प्लॉटेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई एक्शन मोड में है, बिहार ईओयू ऑफिस सीबीआई पहुंचेगी, कल सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल आज सीबीआई की जो टीम है वो ईओयू ऑफिस जाएगी, पटना जाएगी सीबीआई की टीम, क्योंकि अब सीबीआई ने मामले को टेक ओवर कर लिया, लेकिन कई जानकारियां ऐसी हैं जिनको साझा करना है, और इसी कड़ी में पटना पहुंचेगी सीबीआई की टीम जो नीट पेपर लीक कांड में लगातार एक्शन में। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, कल सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी, और इसी कड़ी में अब बिहार ईओयू ऑफिस जाएगी सीबीआई की टीम, पटना जाएगी और कई और जुटाएगी। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लातूर में 4 लोगों पर मामला दर्ज हुआ, एक टीचर को हिरासत में ले लिया गया है, टीचर के खिलाफ पैसे लेने के सबूत मिले हैं, टीचर के फोन में हॉल टिकट मिले। तो देखिए महाराष्ट्र कनेक्शन भी इसका निकलकर सामने आया, और अब जानकारी मिल रही है कि 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है, कुछ टीचर्स के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। लीक का नेटवर्क अब देखिए सामने जा रहा है, इसमें नाम बढ़ते जा रहे हैं, एक टीचर को हिरासत में ले लिया गया है, 4 लोगों से बातचीत की जा रही है, टीचर के खिलाफ पैसे लेने के सबूत मिले, जिसके बाद टीचर को हिरासत में ले लिया गया। तो एक शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में लिया, आगे की पूछताछ की जा रही है कि ये नेटवर्क के तार कहां कहां तक जुड़े हुए और कौन से लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, इस टीचर की किस किस से बातचीत हुई थी। लातूर में 4 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, कितने वो बच्चे जो इससे जुड़े हुए हैं, इसका नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि नीट पर बनी कमेटी की पहली बैठक, शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई है, के राधाकृष्णन हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष हैं, एनटीए के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी, और बाकायदा आपको बता दें परीक्षा सुधारों पर सुझाव देगी ये कमेटी, 2 महीने में अपने रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। तो कमेटी की पहली बैठक होनी है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, ताकि पारदर्शी तरीके से नीट